सभी विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, अब तक आपके पाठ 7 खत्म हो चुके हैं, तो आज हम पाठ 8 जो है आपका छुट्टी पत्र, इसके बारे में देखेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको व्याकरण विभाग में बताया था कि छुट्टी पत्र कैसे लिखा जाता है, और हम प्रधान अध्यापक को, कक्षा अध्यापक को क्या करते हैं, 3 या 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखते हैं। तो आपका पाठ 8 भी वही है कि छुट्टी पत्र, मतलब छुट्टी पत्र में हम कैसे छुट्टी पत्र लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन छुट्टी पत्र लिख रहा है, कितने दिन की छुट्टी मांग रहा है, यह इस पाठ में दिया गया है। विद्यार्थियों, इस पाठ से हम यह सीख सकते हैं कि छुट्टी पत्र कैसे लिखा जा सकता है, छुट्टी पत्र हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो हम आज देखेंगे आपका पाठ 8 है छुट्टी पत्र। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर छुट्टी पत्र लिखना सीख सकते हैं, पाठ बहुत सरल है, और छुट्टी पत्र आपका जो है यह ही कैसे लिखा जा सकता है वह दिया गया है। तो हम देखेंगे कि इस पाठ में यहाँ पर पहले दिया गया है कि पेशेंट, देखिए जो लिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पेशेंट कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर पेशेंट मतलब हम है, जो छुट्टी पत्र लिख रहा है उसे पेशेंट कह रहे हैं। जैसे कि आपके पुस्तक में भी दिया गया है कि यहाँ पर पेशेंट है सुधा, तो सुधा यहाँ पर पेशेंट है, 8वीं कक्षा है, और यहाँ पर आपका जो पाठशाला है उस पाठशाला का नाम और नीचे आपके गांव का नाम डालना जरूरी है। पहले हम छुट्टी पत्र क्या करते हैं, पहले यहाँ पर पेशेंट लिखते हैं। जब छुट्टी पत्र लिखना है तो हम इसे क्या कहते हैं, पेशेंट, मतलब हम कन्नड़ में क्या कहते हैं, रिंद, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फ्रॉम कहते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट सुधा, 8वीं कक्षा, गांव आप मैसूर डालिए या चिकोड़ी डालिए। यहाँ पर आपको पाठ में दिया गया है कि सरकारी हाई स्कूल मैसूर, मतलब छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर। फिर नीचे दिया गया है सेवा में, जो दूसरा आपका यहाँ पॉइंट है वह सेवा में। सेवा में इसका मतलब है विद्यार्थियों, जिसे आप लिख रहे हो, सेवा में मतलब जिसे आप लिख रहे हो, मतलब यहाँ पर हम कक्षा अध्यापक को लिख सकते हैं या प्रधान अध्यापक को लिख सकते हैं, या जैसे कि प्रधान अध्यापक को भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ पर प्रधान अध्यापक हो या कक्षा अध्यापक हो। फिर देखिए उसके बाद हम, जैसे कि हमने यहाँ पर डाला है कि सरकारी हाई स्कूल या आपका श्री एम के कौटली मठ हाई स्कूल चिकोड़ी, देखिए प्रधान अध्यापक श्री एम के कौटली मठ हाई स्कूल चिकोड़ी। फिर उसके बाद जो आता है वह है क्या है, आदरणीय महोदय, हम कन्नड़ में क्या कहते हैं, मान्य रे, और इंग्लिश में क्या कहते हैं विद्यार्थियों, रिस्पेक्टेड सर, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आप जिसे लिख रहे हो उसे हम क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप प्रधान अध्यापक डाले हो या कक्षा अध्यापक डाले हो, तो नीचे हम आदरणीय महोदय। फिर हमें कन्नड़ में मान्य रे कहते हैं और इंग्लिश में रिस्पेक्टेड सर कहते हैं। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वह है विषय। तो विद्यार्थियों, यहाँ विषय क्या लिख रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, या 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, या 3 डालिए या 4 डालिए, आपको जितने दिन छुट्टी चाहिए उतने दिन हम डाल सकते हैं। आपके पुस्तक में दिया गया है कि 3 दिन की छुट्टी के हेतु प्रार्थना, 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, हम कन्नड़ में कहते हैं कि मूरु दिनगळ रजेय कुरितु। तो उसके नीचे आपके पुस्तक में दिया गया है विद्यार्थियों, जैसे कि देखिए उपयुक्त विषय के संबंध में मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि 4/10/2020 से 6/10/2020 तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलोर जाना है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती, अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम विषय लिखते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो है यह हम लिख रहे हैं कि
क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? उपयुक्त विषय के संबंध, मतलब ऊपर दिए गए विषयों के संबंध में आपसे निवेदन करती हूँ कि, मैं आपसे यह निवेदन कर रही हूँ कि मैं 4/10/2020 से यहाँ पर 7/10/2020 तक क्या कर रही हूँ, देखिए, तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेना है। मुझे 4/10/2020 से 7/10/2020 तक अपने भाई के शादी के कारण मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेना है, इसीलिए मैं बैंगलोर जा रही हूँ। आप, मैं विद्यालय नहीं आ सकती, इसीलिए आप कृपया करके मुझे 3 या 4 दिन की छुट्टी मंजूर करें या कृपा करें। फिर यहाँ पर हम उसके नीचे लिखते हैं कि धन्यवाद सहित, फिर यहाँ पर लिखते हैं कि आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा। तो विद्यार्थियों, यह है छुट्टी पत्र लिखने का तरीका। यहाँ पर देखिए, पहले हम पेशेंट डाले हैं, उसके बाद हम सेवा में डाले हैं, फिर उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर आदरणीय महोदय डाले हैं, फिर उसके बाद हम विषय डाले हैं। तो यह था छुट्टी पत्र लिखने का। आपके जो पॉइंट्स हैं वह याद रखिए। जो पहला पॉइंट है वह है पेशेंट, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वह है सेवा में, जो तीसरा आता है आदरणीय महोदय, फिर उसके बाद जो चौथा आता है वह विषय, फिर उसके बाद हम धन्यवाद सहित जो पांचवा है, उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा छठवा है। तो विद्यार्थियों, यह है आपके जो पत्र लिखने का तरीका। यहाँ पर भी सुधा क्या है, प्रेषक है, आठवीं कक्षा, सरकारी प्रौढ़शाला मैसूर, फिर यहाँ पर प्रधान अध्यापक या कक्षा अध्यापक, फिर यहाँ पर कह दिया गया है कन्नड़ हाईस्कूल या यहाँ पर सरकारी हाईस्कूल मैसूर, फिर उसके बाद आदरणीय महोदय, फिर उसके बाद विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, उपयुक्त विषय के अनुसार मैं 4/10/2020 से 7/10/2020 तक विद्यालय नहीं आ सकती क्योंकि मेरे भाई के शादी में मुझे भाग लेना है, आप कृपया करके मुझे छुट्टी मंजूर कर, कह के नीचे धन्यवाद सहित डाल के इधर आपका आज्ञाकारी छात्र क्या है, सुधा। तो विद्यार्थियों, यह था आपके 8वीं कक्षा का पाठ 8। यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि आपके 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों कक्षा में यह जो पत्र है यह आपको पढ़ता है, वो भी कितने अंक के लिए विद्यार्थियों, 5 अंक के लिए। देखिए, 5 अंक के लिए यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, फिर यह जो है आपको यहाँ पर परीक्षा में यहाँ इसे आधा, फिर आदरणीय महोदय को आधा, फिर इसे डेढ़, उसके बाद इसे आधा, फिर इसे आधा, ऐसे क्या करेंगे, आपको मार्क्स कट करके देंगे। तो यह सब लिखना बहुत क्या है, जरूरी है 10वीं कक्षा तक। जैसे कि आप अभी 8वीं कक्षा में यह पत्र याद रखोगे तो आप 10वीं कक्षा तक क्या कर सकते हो, यह पत्र लिख सकते हो। तो विद्यार्थियों, यह पत्र बहुत क्या है, महत्व है, इसीलिए यहाँ पर आप देखे आपके जहाँ पाठ दिए गए हैं वह भी यही दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर पेशक है सुधा, 8वीं कक्षा सरकारी हाईस्कूल मैसूर, फिर सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाईस्कूल मैसूर, फिर उसके बाद आदरणीय महोदय, फिर उसके बाद विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, फिर उसके बाद है जैसे कि आप उपयुक्त विषय के क्या है निवेदन करती हूँ कि मैं इतने दिन से इतने दिन तक पाठशाला नहीं आ सकती, इसीलिए मुझे मेरे भाई के शादी में भाग लेना है, आप कृपया करके इतने दिन मुझे छुट्टी मंजूर करें। यह लिख कर यहाँ पर नीचे धन्यवाद सहित उधर आपकी आज्ञाकारी छात्र लिखना, फिर उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर स्थल लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। जैसे कि हम चुकोड़ी लिखते हैं या चुकोड़ी, जैसे आज का दिनांक है तो दिनांक, तो
यह था आपका छुट्टी पत्र। और छुट्टी पत्र जो है यह बहुत महत्व है, जैसे कि मैंने बताया कि 5 अंक के लिए यह प्रश्न पढ़ सकता है, पढ़ सकता नहीं पढ़ता ही है, 5 अंक के लिए यह प्रश्न पढ़ता है। तो विद्यार्थियों यह बहुत महत्वपूर्ण क्या है। मैं और एक बार आपको बताऊंगी, जैसे कि प्रेषक मतलब जो छुट्टी पत्र लिख रहा है वह, मतलब आप लिख रहे हैं तो आपका नाम, आपका कक्षा, आपका पाठशाला का नाम, फिर आपके गांव का नाम, फिर विद्यार्थी उसके बाद सेवा में, जैसे कि प्रधानाध्यापक या कक्षा अध्यापक, देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, आदरणीय महोदय लिखकर यहाँ अल्प विराम डालते हैं, फिर उसके बाद हम विषय लिखते हैं, जैसे कि विषय क्या है उसका 3 दिन की छुट्टी मांगते हो, या 4 दिन की, या 2 दिन की, आप जितनी दिन की छुट्टी मांग रहे हो उतने दिन की डाल देना है। फिर उसके बाद नीचे उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन करती हूँ, या मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 4 से लेकर 7 तक मुझे पाठशाला आना नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरे भाई के शादी में भाग लेना है, आप कृपया करके मुझे 4 या 3 दिन की छुट्टी मंजूर करें। फिर उसके बाद धन्यवाद सहित विद्यार्थियों, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर यहाँ पर स्थल और दिनांक, तो इतना 5 अंक के लिए आपको आता है। मैंने व्याकरण भाग में यह आपको पहले ही यह पत्र बताया है, तो यहाँ सिर्फ इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि यह आपका पार्ट 8 है। कौन सा है पार्ट 8? छुट्टी पत्र। तो यहाँ पर भी मैंने जो बताया वही है, तो यह था आपका पार्ट 8। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी शब्द अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद जो प्रश्न उत्तर है वह देखेंगे, फिर आप इसके प्रश्न उत्तर हमें भेज दीजिए लिखकर। तो शब्द यह समझा था आपको, छुट्टी पत्र लिखने का तरीका, देखिए 5 अंक के लिए यह है, तो सिर्फ आप क्या कीजिए, जितने आपको पॉइंट्स है, देखो 6 पॉइंट्स याद रखना है, तो आपको पत्र लिखना बहुत क्या होगा, इजी होगा। देखिए प्रेषक सेवा में आदरणीय महोदय विषय, फिर धन्यवाद सहित, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर यहाँ पर स्थल और दिनांक, जैसे 7वां पॉइंट है स्थल और दिनांक। तो विद्यार्थियों यह क्या कीजिए, याद रखिए 5 अंक भी मिलेंगे, जैसे आपका पाठ भी यहाँ पर छुट्टी पत्र होगा, तो आपका पार्ट 8 यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत सरल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ छुट्टी पत्र दिया है। आपके विद्यार्थी ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್
धरती अंत बी स्थल नोड़ी स्थल अंदर की यहाँ बंद चुकी नेक्स्ट दिनांक बीते विद्यार्थी ईद प्रश्न रजे पत्र रजे पत्र बरी बहुत इंपार्टेंट यू रजे बरीबू मुझे नि फ्यूचर रजे बरबो अथवा यार रजे बरद्रे नं बर रजे पत्र बहुत सरल है पत्र निम्बन वर्ग पाठ या रजे पत्र बरियोदा कल्कोती रजे पत्र बरक बर तम पालक कड़े हम बर कंपलसरी बर रजे पत्र बर वर्ग शिक्षक अदी रजे पत्र बरिया गोत अदर जो निम् फ्यूचर लैंग्वेज बहुत यूज आगत व्यार्थी सुधा उदाहरण रजे पत्र को ना प्रश्ने उत्तर शब्दार्थ बर बहुत सरल अंक अंकलसरी चुट्टी प्रधान अध्यापक चुट्टी पत्र यहाँ वर्ष क्वेश्चन पेपर तक नोड्रीटर टेन्त क्लास मार्क्स बिंदी मेथड प्रकार बरकोद्रे मार्क्स को मार्क्स को रजे पत्र बरिया बहुत इंपार्टेंट अदर जो इन इंपार्टेंट अदर निम्बी विषय बंद बरी चुट्टी पत्र शब्दार्थन पेशक भेजने वाला देखिए पेशक मतलब जो भेजता यार कलस्ते यार बरिया फ्रॉम नोड़ी आदरणीय गौरव ना आदरणीय मान्य गौरव अंत उपयुक्त उपर्क आगे मेलिन विषय अन्वय उपयुक्त अद्र नेक्स्ट निवेदन करता हूँ नोड़ निवेदन का अर्थ है प्रार्थने नेक्स्ट शादी विवाह नोड़ शादी अर्थ विवाह कृपा अंदर दया करके दयमी नन के रजे मंजूर मे अभिभावक यार नोडारे ना अभिभावक अंत सैन बे रजे जी हम मुख्योपाध्यार अथवा क्लास टीचर को पेरेन्ट्स सैन क्रेन अभिभावक अंत आई शब्द फिर हम एक वाक्य के प्रश्न देखेंगे छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है देखिए छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है सुधा इस पाठ में छुट्टी पत्र अपने कक्षा अध्यापक को लिख रही है फिर सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर पुस्तक में जो दिया गया है वह लिखिए सुधा 3 दिन की छुट्टी मांग रही है फिर सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है सुधा छुट्टी अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांग रही है फिर उसके नीचे विद्यार्थियों आपको दिया गया है कि आप मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है यहाँ पर क्या दिया गया है सिर्फ शादी में भाग लेने के लिए दिया गया है और नीचे दिया गया है कि मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है यही कारण देकर अपने प्रधान अध्यापक को एक छुट्टी
पत्र लिखे। तो आप अपने प्रधान अध्यापक को भी एक क्या कीजिए, छुट्टी पत्र लिखिए। जैसे कि आपके प्रधान अध्यापक को भी आप छुट्टी पत्र लिख कर समझाइए कि आप क्या कर रहे हो, चार दिन के लिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर आप अपने प्रधान अध्यापक को भी एक छुट्टी पत्र लिखिए, वही यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर और एक पत्र दिया गया है, यह भी पत्र आप क्या कीजिए, घर में, आपके घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ अर्थ मिलाने के लिए दिया गया है, छुट्टी मतलब फुर्सत, शादी मतलब विवाह, आदरणीय मतलब गौरवशाली, फिर कृपा मतलब दया, फिर प्रेषक मतलब भेजने वाला। जैसे कि यहाँ पर सही जोड़कर लिखिए। उसके बाद नमूने के अनुसार शब्द बदला दिए, महोदय महोदया, सदस्य देखिए प्राचार्य, छात्रा, फिर शिष्य शिष्य, मतलब यहाँ पर लिंग बदलाने के लिए गया है, सदस्य सदस्य, प्राचार्य, छात्र मतलब लड़का, छात्रा मतलब लड़की, फिर शिष्य का अन्य लिंग शिष्य होता है। फिर आप क्या कीजिए, इतना कर कर हमें भेज दीजिए। फिर उसके बाद 5 दिनों की माता पिता के साथ कहाँ पर प्रवास या यात्रा जाने के लिए आप क्या कीजिए, और एक पत्र लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर एक पत्र लिखिए, और उसके बाद आप यात्रा में जाने के लिए, अपने माता पिता के साथ यात्रा में जाने के लिए उसे एक क्या कीजिए, पत्र लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको होमवर्क में करना है दो पत्र, एक तबीयत ठीक नहीं है यही कारण देकर लिखिए, और एक पत्र विद्यार्थियों आप क्या कीजिए, यात्रा में अपने माँ और पिता के साथ यात्रा में जाने के लिए एक पत्र लिखकर आप भेज दीजिए। यहाँ तक आपके कुल मिलाकर 8 पाठ खत्म हो गए हैं, 8वीं कक्षा में बहुत सरल है। मैं और एक बात आपको बोलना चाहूंगी, जैसे कि यह इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे देखना है कि आप कितने लोग यह वीडियो देख रहे हो, हमारे जैसे सभी सब्जेक्ट के कितने लोग वीडियो देख रहे हो मुझे आज पता चलेगा, क्योंकि आज आप जैसे कि छुट्टी पत्र या वीडियो देखिए, लेकिन इसके बाद आप क्या कीजिए, मुझे 1 से 100 तक देखिए, 1 से 100 तक गिनती लिखकर मुझे आज का लगातार भेज दीजिए। मतलब मुझे पता चलता है कि आप वीडियो देखे हो अंतिम तक, इसीलिए यह होमवर्क किए हो। यहाँ पर 1 से 100 तक क्या कीजिए, गिनती लिखकर मुझे भेज दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप इतना हो तो 1 से 100 तक गिनती देखिए विद्यार्थियों, आप 1 से 100 गिनती लिखना है तो ऐसा देखिए, मैं 1 दिखा रही हूँ, जैसे कि 1 ऐसे लिखकर भेज दीजिए, अक्षरों में 1 2 ऐसे अक्षरों में लिखकर मुझे क्या कीजिए, भेज दीजिए। फिर उसके बाद आप चाहिए तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिख सकते हो, तो आप 1 2 गिनती अक्षरों में लिखकर मुझे भेज दीजिए। फिर से मैं आपको अगली कक्षा में अगले नए पाठ के साथ मिलूंगी। तो आपको यह क्या करना है, आज 1 से 100 गिनती लिखकर मुझे भेजना है, और साथ में यह गिनती पढ़ना भी है, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इसमें से 11 21 फिर 23 ऐसे लिखकर अक्षरों में मुझे भेज दीजिए। फिर से मैं अगली कक्षा में आपको मिलूंगी। आप ये विद्यार्थिगळे ई वीडियो अन्न कोणे तनक नोडिद्रे, ई होमवर्क अन्न नोडि नन कळसि नन गोत्तागतैति नीवु कोणे तनक वीडियो नोडेदो इल्लो अंत हेळि, याकंद्रे इवत्तिन होमवर्क एनंतंद्रे 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಗಿಣತಿ ಬರೋದ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಗಿಣತಿ ಬರೋದ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಳ್ಬೋದು, 56 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ, 32 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ, ಈ ಗಿಣತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಬರೋದ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ತಗೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.